इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कल बहुत अहम दिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो माना जा सकता है। खेला हो बे सभी ने देखा कि ममता बनर्जी ने डुप्लीकेट रविंद्रनाथ टैगोर को कैसे शिकस्त दी। बहरहाल बंगाल चुनाव के मद्देनजर दाढ़ी बढ़ाकर बंगाली अवाम की हिमायत हमदर्दी जो वजीर आजम मोदी हासिल करने वाले थे नहीं कर पाए। अगर कोरोना मद्देनजर देखा जाए तो मगरबी बंगाल में किस कदर चुनावी रैलियां मोदी शाह योगी तिकड़ी ने की है, इन पर मुकदमे भी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खैर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो सकता। बहरहाल जितनी भी कोशिश भगवा ब्रिगेड ने सामदाम दंड भेद इस्तेमाल कर पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश की नाकाम हो गई और यह जरूरी भी था। कई इल्मी माहिरीन ने ममता बनर्जी की जीत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि भारत में अगर लोकतंत्र बच गया है तो इसी जीत की वजह से। भारत में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही है। भले कुछ अंधभक्तों को यह बात कुछ नागवार गुजरे पर इनके पापा यानी मोदी को लेकर आवाम में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। देश भर में जलती चिताओं का मंजर देख आवाम ने मोदी को इस्तीफा देने की मांग की है। इस्तीफा दो के नारे लगाए गए, हैशटैग चलाया गया, जिसमें महज एक रात में ही 4 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए हैं। साथ में ऑनलाइन अर्जी पर आवाम ने लाखों दस्तखत की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद यह मांग में और इजाफा होता जा रहा है। देश के आवाम और इल्मी दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर लिहाज से देश को मुश्किल दौर में धकेल दिया। नोटबंदी से लेकर शमशान में चिताएं जलाने तक कतार लगाने के कुछ हाथ नहीं लगा। change.com.org ने ऑनलाइन इस्तीफे की मांग मुल्क भर में की है, जिसमें मोदी को इस्तीफा देने की मांग की गई। बंगाल के अवाम ने मोदी को बंगाल के बाहर कर दिया। अब वक्त आ गया है कि केंद्र यानी मरकजी हुकूमत को बेदखल करे, ऐसा भी इस अर्जी में कहा गया। फिलहाल हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की बेहद कमी महसूस की जा रही है। क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी है या इसके पीछे भी किसी तरह मंसूबा है, ऐसा भी सवाल पूछा जा रहा है। बेलगाम शहर के तकरीबन अस्पतालों में ऑक्सीजन ना होने की वजह से अस्पताल घूमने की नौबत मरीजों पर आई हुई है। एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले तो वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख को तय किया गया था, फिर वैक्सीन को ही गायब किया गया। लॉकडाउन और मरने वालों की तादाद बताकर लोगों में खौफ का माहौल बनाया गया। यकीनन कोरोना वबा है, पर क्या सरकार को अब तक वक्त नहीं था कि इससे कैसे निपटा जाए। तकरीबन घर मुतासिर हो चुके हैं, हर रोज कब्रिस्तान और शमशान में कतारें लगने लगी हैं। वैक्सीन की भी कहानी अजीब है। वैक्सीन बनाने वाले अदर पुनावाला अब लंदन में जाकर बैठे हैं और उनका कहना है कि इन्हें धमकी दी जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये कुछ दिनों में सामने तो आ सकता है। अदर पुनावाला का कहना है कि इन्हें कोई ताकतवर शख्स धमका रहा है। खैर सवाल तो आम इंसान की जिंदगी का है। अगर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है और इसकी दवाइयां भी नहीं है और वैक्सीन को लेकर खुद WHO ने कहा कि 60% असर हो सकता है और 40% नहीं हो सकता, ये हमने नहीं कहा बल्कि ये खुद WHO ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर 60% ही हम भरोसा दे सकते हैं। आप चाहे तो WHO की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और इसके दूसरे पहलू पर भी नजरसानी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जो बात सामने आ रही है तो उस पर भी सवाल पूछना जरूरी है। ये कैसे हो रहा है, इसके सिलसिलेवार कोरोना को देख सकते हैं। कोरोना यकीनन बीमारी है, इससे किसी को शक नहीं होना चाहिए, पर वही दूसरी ओर वैक्सीन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर इन तारीखों पर गौर किया जाए तो आपको कुछ थोड़ी बात समझ में आ सकती है कि 12 जनवरी को कोरोना की बात कही गई, 13 जनवरी को पहला मरीज थाईलैंड में मिला, 23 जनवरी यानी कि 2020 की बात यह, 23 जनवरी को WHO ने इसे महामारी यानी आलमी वबा कहने पर मशवरा किया और 30 जनवरी को दुनिया में इसे पैंडेमिक कहा। यहाँ कुछ बातें सोचने की है कि 3 फरवरी को वैक्सीन बनाने पर प्लान बनाया जा रहा था ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका जिसने सीरम से मिलकर जिसके मालिक अदर पुनावाला मार्च में ही 15 करोड़ के टीके तैयार होने की बात कही, ये भी उन्होंने टीवी पर आकर बात कही है। कहने का मतलब वैक्सीन पहले से ही कैसे तैयार थी। भारत में जब टीका लगाना शुरू किया तो चेन्नई के एक शख्स को जिसे वैक्सीन का रिएक्शन हुआ उसने अदालत में मुकदमा दर्ज किया।
पर भारत सरकार ने इसे ऐसी हिमायत हासिल की कि अदालत को ही कहने के लिए कहा कि वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि वैक्सीन बिल्कुल सही है तो यूरोपियन मुल्कों ने इस पर पाबंदी क्यों लगा दिया? ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर 12 मुल्कों ने पाबंदी लगा दी। अब जिस कदर हुकूमत वैक्सीन लगवाने के लिए काफी जल्दबाजी में नजर आ रही है, यह बात भी सवालों के घेरे में खड़ा करने वाली है। और ये भी बात याद रखें कि इसके दलाइल मौजूद है कि खुद आलमी सेहत तंजीम ने क्या कहा। पहले तो जिसकी मर्जी है उसे वैक्सीन लगाने की बात कही गई, इसके बाद 60 उम्र, फिर 45 उम्र और अब 18 उम्र वालों को लाजिम किया गया। आने वाले दिनों में बच्चों को भी लगवाने का हुक्म हुकूमत दे सकती है और ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अब जो वैक्सीन लगवाने पर भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और WHO कहता है कि 60% की ही गारंटी है तो 40 की नहीं, तो इससे क्या कहा जाए? सड़क पर बैठकर तोता लेकर भविष्य बोलने वाला भी अंदाजे से 70% सच बताता है और WHO कहता है कि 60% ही भरोसा कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज के बाद भी पॉजिटिव पाए गए और कुछ की मौत भी हो चुके। कहने का मतलब इस तरह चारों तरफ एक माहौल बनाकर क्या वैक्सीन का कारोबार करने की साजिश चली जा रही है? और अगर नहीं है तो आवाम को इससे निजात कैसे दिला पाएगी सरकार? वैसे तो महंगाई, पेट्रोल, बेरोजगारी अब तो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि 2 वक्त का खाना और जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात बन चुकी है और इसी की जद्दोजहद जारी है। अब इस महामारी को कुछ लोग साजिश भी करार दे रहे हैं। सवाल तो यह भी पूछे जा रहे हैं कि सभी लॉकडाउन करके आवाम को महज एक ही चीज के इर्द गिर्द सोचने पर मजबूर तो किया नहीं जा रहा? जब सुबह शाम आपको कोरोना का ही दिखाया जा रहा है तो आपके पास दूसरा मौजू कहां से रहेगा? खैर जो भी हो, लेकिन मौजूदा हालात में मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनकी नाकामी की कीमत हमेशा आवाम को ही चुकानी पड़ती है। आप नोटबंदी से लेकर बंगाल चुनाव और वैक्सीन तक सब खेला होता दिखाई दे रहा है। अब आवाम भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। कारोबार, तिजारत, सब्जी खरीदने के लिए तो 4 से 6 घंटे की आजादी दी जा रही, पर खरीदने के लिए आवाम के पास रुपये भी तो होने चाहिए, क्योंकि मजदूरी रोजी रोटी के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। क्या यह डर का खेल तो नहीं है? आलमी सतह पर खेला जा रहा है, भारत में ऐसे पैदा हो सकता है, इसका असर वजीर कोई और है। लिहाजा जो भी है, पर जानलेवा खेल का असर महज करोड़ों लाखों गरीबों को ही चुकाना पड़ रहा है, जिसका एहसास मौजूदा हुकूमत को नहीं है, ये एक अफसोस की बात ही कही जा सकती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।